बहुत प्राचीन काल से भारत में सारी दुनिया में एक बहस लगातार चला करती है आधुनिक विश्व के विद्यार्थी और अध्यापक भी बच्चों को सफलता पाने के मंत्र देते हैं और शिक्षा का उद्देश्य भी सफल व्यक्ति हो गया है लेकिन भारत के राष्ट्र जीवन में सफलता पर वैसा जोर नहीं था जैसा प्रामाणिक मनुष्य होने पर था तो एक बिंदु है सफलता का कि हम भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए सफल और आनंदित जीवन व्यतीत करें सफलता ही सफलता हमारे सामने हो और एक बिंदु है कि हम प्रामाणिक मनुष्य बने और एक प्रामाणिक मनुष्य अपने घर में अपने परिवार के प्रति प्रामाणिक होगा एक प्रामाणिक मनुष्य अपनी नौकरी में अपनी सेवा के प्रति, प्रति प्रामाणिक होगा एक प्रामाणिक राजनेता अपनी विधानसभा के प्रति अपनी पार्टी के प्रति अपनी विचारधारा के प्रति और भारत के संविधान के प्रति, प्रति, प्रति प्रामाणिक होगा एक अच्छा खिलाड़ी अपनी टीम के प्रति प्रामाणिक होगा केवल प्रामाणिक हो जाना एक कुंजी है और भारत में शिक्षा का उद्देश्य प्रामाणिक मनुष्य तैयार करना था उन्हीं में से सफल लोग निकले उन्हीं में से असफल लोग निकले गांधी जी ने तात्कालिक शिक्षा को लेकर बहुत दुख व्यक्त किया था और कहा था मैंने गणित पढ़ लिया अलजेबरा पढ़ लिया पर इससे हमारे जीवन में परिवर्तन क्या आया परिवर्तन तो समाज में घूमने से आया ठीक गांधी जी की ठीक तरह गांधी जी की ही तरह उत्तर वैदिक काल में सनत कुमार के पास नारद पहुंचे बहुत व्यथित थे बहुत दुखी थे कहा कि मैं तो बहुत पढ़ गया हूं लेकिन मेरा कष्ट और दुख नहीं जाता शिक्षा नारद ने बहुत पाई थी यह अच्छादो उपनिषद की कथा है सनत कुमार ने कहा अच्छा बताओ क्या क्या पढ़े हो तो नारद ने बहुत जल्दी जल्दी कहा कि भगवान मैंने ऋग्वेद पढ़ा है यजुर्वेद पढ़ा है अथर्वेद पढ़ा है सांप सर्प विद्या पढ़ी है भूत विद्या पढ़ी है भूगर्भ विद्या पढ़ी है आकाश विद्या पढ़ी है गणित पढ़ी है व्याकरण पढ़ा है कल्प पढ़ा है सब कुछ पढ़ा है उत्तर वैदिक काल में ये सूची बड़ी लंबी है तो सनत कुमार ने उत्तर दिया ये जो तुमने पढ़ा ये तो नाम और संज्ञा है इनसे तुम्हारा दुख कहाँ जाएगा नारद तुम वाणी की आराधना करो तो नारद ने कहा ठीक वाणी की आराधना करेंगे तो सनत कुमार ने कहा वाणी अकेले पर्याप्त नहीं वाणी की आराधना के बाद मन की आराधना करनी होगी मन में संकल्प आते हैं तो फिर आगे उन्होंने नारद ने कहा कि ठीक है भगवान यही मैं करूँगा तो कहा देखो ये मन के बाद फिर अपने भीतर संकल्प की आराधना करनी पड़ेगी फिर तो संकल्प के बाद आराधना करनी पड़ेगी शक्ति की शक्ति के साथ आराधना करनी पड़ेगी जल की जल के साथ आराधना करनी पड़ेगी ताप की तेजस की आकाश की ऐसा एक बार बार क्रम बताते हैं तो जब ढेर सारे क्रम हो जाते हैं तो नारद ने कहा ठीक मैं यही करूँगा मेरा दुख कैसे जाए तो अंतिम वाक्य उनका उत्तर है सनत कुमार का यो वय भूमा तत्सुखम भूमा का अर्थ वहाँ पर संपूर्णता लिया गया संपूर्णता का बोध संपूर्णता का ज्ञान स्वयं के भीतर संपूर्णता को अनुभव करना पूरी सृष्टि को संपूर्ण एक एकक -एक ऑर्गेनिक यूनिटी मानना यह को उपनिषद में इसके लिए शब्द भूमा आया यो वे भूमा तत्सुखम शिक्षा को लेकर तैतरी उपनिषद में वैदिक साहित्य में खूब बताया गया है और शिक्षा का सीधा उद्देश्य प्रामाणिक मनुष्य बनाना है और एक प्रामाणिक मनुष्य राष्ट्र जीवन के लिए अपने घर के लिए परिवार के लिए विश्व के लिए बहुत सुंदर उपकरण होता है एक सुंदर मानव संसाधन होता है और ऐसी शिक्षा भारत के राष्ट्र जीवन का आधार रही है